लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। छब्बीस अप्रैल को हम लोग अपनी दादी को एडमिशन कराने के लिए हम लोग भाग रहे थे कहीं कि कहीं एडमिशन हो जाए। 27 अप्रैल की रात को जाकर एम्स में जैसे तैसे करके झज्जर जो कैंपस है एम्स का, वहाँ उनको एडमिशन मिला। 27 की रात को उनका एडमिशन हुआ। 28 को मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे फादर और मेरी मम्मी, उन चारों को एडमिशन 28 को कराना पड़ा क्योंकि घर पे तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, कोरोना हुआ था सबको, सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। सीटी स्कैन भी कराया था फादर और चाचा का, तो उनका स्कोर भी 10 आया था उस टाइम। तो टेंशन भी थी लेकिन उम्मीद भी थी कि चलो झज्जर एम्स में एडमिशन मिल गया है तो सब ठीक होके घर आएंगे, क्योंकि उस टाइम पूरी दिल्ली में ऐसी मारामारी चल रही थी बेड की हर जगह कि हमें उम्मीद थी नहीं थी कि बेड ही मिलेगा। बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रिलीव हो गए थे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बट वहाँ जैसे 2-3 दिन बीता, मैं मतलब 29 अप्रैल, 30 अप्रैल मैं डेली जाता था वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से तो किसी से बातचीत होती नहीं थी वहाँ पर। वहाँ पर सिर्फ दिन में एक बार वो बोलते थे कि जी स्टेटस मिल जाएगा आपको, फ़ोन कर देंगे आपको। स्टेटस में वो सिर्फ वाइटल्स बताते थे कि क्या ऑक्सीजन है, क्या सेचुरेशन है, क्या बीपी है, बस इतना ही। उसके अलावा अगर उनसे पूछो कि क्या मेडिकेशन चल रही है, क्या इलाज चल रहा है, कुछ एक्सरे हुआ नहीं हुआ, सीटी स्कैन हुआ नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा बस इलाज हम लोग कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। मेरी दादी तो वेंटिलेटर पर आ गई थी जाती। 1 मई को दोपहर को मैं पहुँचा था एम्स, उससे पहले मेरे पास मेरे फादर का फ़ोन आ गया था जो उसे वहीं पर एडमिट थे कि बेटा चाचा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो CPR दे रहे हैं उनको। मैं हॉस्पिटल के गेट में घुस ही रहा था उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, बात करता हूँ डॉक्टर से। मैं अंदर घुसे, मुझे 10 मिनट हुए थे गाड़ी पार्क करके, मैं गया किसी से मिलने के, किसी से बात हो जाए कि कुछ पता लग जाए कि क्या हुआ। इतने में पापा का फ़ोन मेरे पास दोबारा आ गया कि बेटा वो नहीं बचा। मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। पहली बात तो जब वो फॉर्म भराते हैं तो मैंने सबके फॉर्म पे अपना नंबर लिखा हुआ था कि कुछ भी घटना होती है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ बताना है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए। मेरे फादर जो वहाँ एडमिट हैं उन्होंने उनको इन्फॉर्म करा मेरे चाचा के बारे में। जैसे तैसे करके उन्होंने बोला कि शाम के टाइम उन्होंने इन्फॉर्म करा था 5:30 बजे कैसा हो गया। बोला 11 बजे आप बॉडी ले जाना, हम सुबह तक रखेंगे नहीं, हमारे मॉर्चरी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई सुबह तक आप बॉडी रख लो, हमें सुबह दे देना, हम रात को कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम 11 बजे देंगे बॉडी। 11 बजे की बोलकर उन्होंने 2 बजे में बॉडी दी। हम उनको लेके जा ही रहे थे कि 5 बजे उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि दादी नहीं रही, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और अब तो हम भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से 28 दिन के अंदर अंदर 5 बॉडी उठना और एक रिश्तेदार की बॉडी उठना, दामाद की बॉडी उठना, ये बहुत ही चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर इस दुख की कोई सीमाएं नहीं हैं और उन सीमाओं में बस भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख उन्होंने हमें हमारे परिवार को दिया है वो दुख किसी और को ऐसा दुख ना दें कि एक बॉडी उठ रही है, दूसरी की सूचना आ रही है, दूसरी उठ रही है, तीसरी सूचना आ रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुखद घटना है जिसके बारे में कुछ भी कहना कम है, कुछ भी कहा जाए। मेरा नाम मधु मित्र। आपने जिस परिवार से रहते हैं, घर की हालत बहुत खराब है, घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे बच्चे रह गए हैं घर को, सब पता नहीं कैसे ठीक होगा घर। इसमें सुबह से आने के बाद तबीयत ही ऐसी ख़राब हो रही है मेरी, तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं US थी, मैं कल ही आई हूँ, पर मेरे से तो घर ही नहीं देखा जा रहा है। ये मम्मी भी ख़त्म, 2 भाई ख़त्म, 2 भाभी ख़त्म, बिल्कुल घर का हाल पे हाल है बिल्कुल। अब इसको पता नहीं कैसे संभलेगा घर, ये बच्चे 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 हैं बस। एक भाई है वो पूरा जला हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ और